Hello students welcome to allotrope classes one step ahead for learning where we help you to achieve your goals students in this video we will discuss an another important topic from organic chemistry which is resonance effect r effect it is also known as mesomeric effect m effect so first of all we will discuss some important points from this effect okay so let's start फर्स्ट पॉइंट इज केमिकल स्ट्रक्चर कैन बी रिटर्न इन टू और मोर देन टू डिफरेंट फॉर्म्स कोई भी केमिकल स्ट्रक्चर है रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है कि जब भी आप एक ही स्ट्रक्चर को मल्टीपल फॉर्म्स में लिख सकते हैं टू और टू मोर देन टू डिफरेंट फॉर्म्स ओके दीज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज रेजोनेंस स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर इन्हीं डिफरेंट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने बेंजीन का एग्जाम्पल लिया है तो बेंजीन को हम इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं और इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं ओके फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए ये हमने बेंजीन बनाई यहाँ पर bond, यहां डबल बोंन्ड यहाँ डबल यहाँ डबल और इसी को ही हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं यहाँ पर डबल बोंड यहाँ पर और यहाँ पर बेंजीन में अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बोंड प्रेजेंट होते हैं ठीक है तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है दोनों ये क्या है रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इन्हें ही हम बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर ओके नेक्स्ट पॉइंट है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर मेड बाय शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है हमारी ये किसके इफेक्ट से बनती है पाई इलेक्ट्रॉन्स के ये जो डबल बोन प्रेजेंट है इन पर पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी हेल्प से जिसकी हेल्प से क्या बनते हैं हमारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है ठीक है ओके नेक्स्ट पॉइंट ऑल रेजोनेंस और कैनोनिकल स्ट्रक्चर आर इमेजनरी स्ट्रक्चर मीन्स जितने भी आप रेजोनेंस और कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं ये हमारी इमेजनरी होती है ओके नन ऑफ देम एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल कोई भी इनमें से स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है ठीक है और इन्हीं रेजोनेंस और कैनोनिकल स्ट्रक्चर को जब हम मिक्सअप कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ओके जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर है कैनोनिकल स्ट्रक्चर और बेंजीन है और ये हमारा एक रेजोनेंस हाइब्रिड है मतलब ना तो ये सभी बेंजीन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है ना ही ये वाली स्ट्रक्चर तो दोनों की मिक्सिबिलिटी करने के बाद जो हमें स्ट्रक्चर मिलती है उसे हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड ओके नेक्स्ट है हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड और रियल स्ट्रक्चर ओके ये अभी हमें मैंने, मैंने आपको बताया ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी एक्सप्लेन फ्रॉम रेजोनेंस हाइब्रिड इस रेजोनेंस हाइब्रिड से हम उसकी सभी प्रॉपर्टीज को शो कर सकते हैं ठीक है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि बेंजीन में मैंने आपको बताया पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ ट्रांसफर होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट है आपके ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग करते हैं ठीक है एक पोजीशन से डबल पोजीशन पर तो स्टार्टिंग में क्या है कि कार्बन कार्बन में यहाँ पर सिंगल बोन भी प्रेजेंट है बेंजीनिंग में और डबल बोन भी जो सिंगल बोन की बोन लेंथ होती है वो वन पिकोमीटर होती है और जो डबल बोन प्रेजेंट होता है उसकी होती है वन बट जब प्रैक्टिकली हमने देखा तो ये मिला कि बेंजीन में सभी इलेक्ट जो आपकी बोन्स हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं और उनकी लेंथ होती है वन थर्टी नाइन जो कि रेजोनेंस हाइब्रिड में हमने देखा है ओके तो इस तरीके से पता चला कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होती हैं उनमें से कोई भी उस मॉलिक्यूल की कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करता है ठीक है रेजोनेंस हाइब्रिड वो स्ट्रक्चर है जो उस मॉलिक्यूल की कंप्लीट स्टडी और कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है ओके तो आई होप आपको रेजोनेंस से रिलेटेड ये सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे नेक्स्ट चलते हैं हम और भी यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिए हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाई है कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर ये होती है तो यहाँ पर जब ये डबल बोन्ड डबल बोन शिफ्टिंग होती है तो ये डबल बोंड यहाँ शिफ्ट होता है तो इस पर जहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे वहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये सिंगल बोन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरे मोलिक एटम पर हमारे कैसा आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज फिर यही यहीं पे ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इस साइड भी हो सकता है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज तो ये वाली आपकी स्ट्रक्चर बन जाएगी ठीक है बट यहाँ पर के फिर देखा गया कि पॉजिटिव चार्ज ना यहाँ पर होता है ना यहाँ पर रेजोनेंस हाइब्रिड क्या हो जाएगा ओवरऑल स्ट्रक्चर के ऊपर हम शो करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को ठीक है नेक्स्ट हमने जो एग्जांपल लिया है वो लिया है हमने नाइट्रो एल्केन का क्योंकि नाइट्रो ग्रुप में भी आपके डबल बोन प्रेजेंट होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो इन इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है ठीक है इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पहली स्ट्रक्चर में क्या है कि उक, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर ट्रांसफर हुआ तो इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज और इसका अपोजिट देखें अगर इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ से शिफ्ट करते हैं हम इस ऑक्सीजन पर तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस पर ठीक है और नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है एसिड का सिमिलरली उसमें भी आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो होती हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से तो इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर की आप सभी की प्रैक्टिस करेंगे तो तभी आपको इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है वो बनानी आ जाएगी ठीक है तो रेजोनेंस के लिए जो बेसिक कंडीशन है वो ये है कि उस इलेक्ट्रॉन्स में उस मॉलिक्यूल में आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होना मस्ट है अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पर आपकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो नहीं होगी ठीक है बट पाई इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंट होना ही एक रेजोनेंस की प्रॉपर्टी नहीं है मींस ऐसे भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बट वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो नहीं करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने मॉलिक्यूल यहाँ लिखा है इसमें डबल बोन प्रेजेंट नहीं है मीन्स कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये तो रेजोनेंस शो कर नहीं करेगा इसमें दो पाई इलेक्ट्रॉन है बट ये भी नहीं करता है इसमें एक है ये भी शो नहीं करता है इसमें भी एक पाई इलेक्ट्रॉन है ये भी शो नहीं करता है ठीक है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंट होना ही ज़रूरी नहीं है उसकी कंडीशन क्या है कि आपके जो मॉलिक्यूल है उसमें कॉन्जुकेटिड सिस्टम प्रेजेंट होना ज़रूरी है कॉन्जुकेटिड सिस्टम मीन्स जो आपका पाई डबल बोंड और सिंगल बोंड है वो अल्टरनेटिव होने चाहिए जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें पहले डबल बोंड है फिर सिंगल बोंड है फिर डबल बोंड है इस तरीके से अल्टरनेटिव सिंगल डबल बोंड प्रेजेंट होना ज़रूरी है और उसमें पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए उसमें नेगेटिव चार्ज होना चाहिए उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए और उसमें फ्री रेडिकल भी प्रेजेंट होना ज़रूरी है ठीक है तो इस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं कि डबल बोन में क्या होगा ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके इस कार्बन पर शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ये डबल बोन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो सिंगल बोन कन्वर्ट हो जाएगा डबल बोंड में और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज सिमिलरली इन दिस मॉलिक्यूल द डबल बोन इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड ऑन दिस सिंगल बोन इट विल कन्वर्ट इन टू डबल बोन एंड द पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट फ्रॉम दैट कार्बन टू दैट कार्बन ओके नेक्स्ट नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन से इस कार्बन पर और ये डबल बोन यहां शिफ्ट हो जाएगा सिमिलरली यहां पर ये आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे यहां पर तो डबल बोन यहाँ प्रेजेंट हो जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन किया है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस कार्बन पर आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज ओके तो यहां पर आप देख सकते हैं जो ये फ्री रेडिकल प्रेजेंट है यहां पर ये डबल बोन इस कार्बन से इस सिंगल बोन पर ट्रांसफर होता है तो ये डबल बोन में कन्वर्ट हो जाता है और ये आपका फ्री रेडिकल ट्रांसफर हो जाता है इस कार्बन पर ओके क्लियर अब यहां पर मैंने जो नोट किए हैं टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट आपको मैंने बताया है कि रेजोनेंस इफेक्ट आपके कितने टाइप के होंगे दो टाइप के होंगे प्लस आर इफेक्ट और प्लस माइनस आर इफेक्ट सिमिलरली इट कैन ऑल्सो से प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट मीन्स मेजोमेरी इफेक्ट तो यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल लिया है वो इस तरीके से एक्सप्लेन किया है एक हमने सिस्टम लिया है और उस सिस्टम पर ग्रुप प्रेजेंट है ठीक है तो इन्हीं ग्रुप पर डिपेंड करेगा अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो ग्रुप से कॉन्जुगेटिड सिस्टम पर ट्रांसफर होता है ठीक है यहाँ आप देख सकते हैं कि आप अमीन लिया है हमने एनिलीन तो नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे इस सिंगल बोन पर ट्रांसफर होंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डबल बोन्ड में और ये डबल बॉन्ड फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ग्रुप से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है कॉन्जुगेटिड सिस्टम में तो जब आपका इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा फ्रॉम ग्रुप टू सिस्टम इट विल नोन एज प्लस आर इफेक्ट और अगर आपका अपोजिट होगा इलेक्ट्रॉन्स आपके कॉन्जुगेट सिस्टम से आपके किस में जाएंगे ग्रुप में जाएंगे ठीक है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और ये डबल बोंड यहाँ से रिंग से शिफ्ट हो जाएगा इस सिंगल बोंड पर यहाँ पर डबल बोंड आ जाएगा तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है आपके सिस्टम से ग्रुप में ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो जब सिस्टम से ग्रुप में ट्रांसफ़र होंगे तो उस इफेक्ट को हम बोलेंगे माइनस आर इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट और जब आपके इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप से सिस्टम में ट्रांसफ़र होंगे तो उसे हम बोलेंगे प्लस आर इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट ठीक है और एग्जाम्पल हमने नोट किए यहाँ पर सिमिलरली आप देख सकते हैं ठीक है अब माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाया है ग्रुप से सिस्टम में हो रहा है तो प्लस आर और सिस्टम से ग्रुप में हो रहा है तो माइनस आर ठीक है क्लियर यहाँ पर हमने कुछ ग्रुप्स लिए हैं जो कि प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं तो जो प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ठीक है और जो माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो ये सभी वो ग्रुप्स हैं जो कि प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं और ये वो सभी ग्रुप हैं जो माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं और ये कन्वर्जेंस में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे ठीक है तो इन ग्रुप्स को आप लर्न करेंगे अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करेंगे और याद रखेंगे कि कौन से ग्रुप आपके प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं और कौन से माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं ओके यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं हमने रेजोनेंस के प्लस आर इफेक्ट के और माइनस आर इफेक्ट के कि किस तरीके से आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं जैसे कि एनिलीन का हमने एग्जाम्पल लिया है अभी मैंने आपको बताया एन क्या है इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करता है क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन्स इस पर शिफ्ट होंगे तो ये डबल बोन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन किया है तो इस पर कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन एटम पर तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा देन ये आपके इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे यहाँ पर और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा फिर ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और लास्ट में क्या होगा आपका ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आपके तो इस कॉन्जुकेशिड सिस्टम में क्या होगा लास्ट में जो डबल बॉन्ड आपका शिफ्ट हुआ था वो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स वापस शिफ्ट हो जाएंगे नाइट्रोजन एटम पर और उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे यहाँ पर और डबल बोन शिफ्ट हो जाएगा तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डबल बोन की कंडीशन क्या है और यहाँ पर क्या है ठीक है इस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग के थ्रू आपकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं ग्रुप से आपके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं सिस्टम पर तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट ठीक है effect, और ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है जैसे कि बेंजीन की स्ट्रक्चर में भी हमने आपको शो किया था कि वो स्ट्रक्चर जो सभी प्रॉपर्टी शो करती है उस मॉलिक्यूल की उसे हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड ठीक है hybrid, ये प्लस आर इफेक्ट का एग्जाम्पल था नेक्स्ट देखते हैं हम माइनस आर इफेक्ट का एसिड ग्रुप आपका माइनस आर इफेक्ट शो करता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है ऑक्सीजन पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड शिफ्ट करता है तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव चार्ज और ये कॉन्जुकेटेड सिस्टम के पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं इस कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्म में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हुई तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाया तब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ जाएगा यहाँ पर ठीक है और नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और इस कार्बन पर आपके पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और लास्ट में ओवरऑल ये पाई इलेक्ट्रॉन्स दोबारा शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन के यहाँ पर और डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाएगा और ये वापस जो यहाँ पर डबल बॉन्ड थे ये कॉन्जुगेटिड सिस्टम यानी कि बेंजीन रिंग में प्रेजेंट हो जाएंगे तो इस तरीके से आपके डबल बॉन्ड्स की शिफ्टिंग हुई पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हुई तो आपको जो इफ़ेक्ट यहाँ पर शो हुआ है वो हुआ है माइनस आर इफेक्ट क्योंकि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके सिस्टम से ग्रुप में एंटर कर रहे हैं और ये इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है ओके तो आई होप आपको रेजोनेंस इफ़ेक्ट और मेजोमेरिक इफ़ेक्ट effect उसके इफेक्ट्स के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में उसके एग्जाम्पल्स के बारे में क्लियर हो चुका होगा तो ओके स्टूडेंट्स इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ओके होप यू इंजॉयट द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग